गोदा शौचालय भाई बात एंड फकिंग हेल रिलीफ मिला जो नहाने के बाद ना क्या ही बताऊँ। अभी माता का मंदिर ऊपर है तो अपन चलते हैं डायरेक्टली ऊपर, पानी वानी सब भर लिया है, जूते उतारते हैं। नरसो भाई साहब जो नहाया हो ना मज़ा जो आया है पता नहीं कहता तो इसको ना निकल हो माहौर। दिस इज सम काइंड ऑफ मंदिर श्री परशुराम। हाँ मैं बता दूँ, जो देखिए आप बोलते हैं कि जो रेणुका माता मंदिर है ना वो परशुराम जी की माता है, ठीक है, इसलिए उनका मंदिर काफ़ी मतलब मान्यताओं में बनाया जाता है। ठीक है, ये देखिए आप रेणुका माता महूरगढ़ एंड इधर है परशुराम जी का मंदिर, ये उनकी माता कही जाती है रेणुका जी। सो एंड यू एज यू नो द शक्ति पीठ्स एंड ऑल एवरीथिंग शक्ति पीठ्स। अरे जूते की दुकान है, जूते कहीं बता दो मैंने। सो क्या हुआ था ना, जब परशुराम जी की ये जो महूरगढ़ है ठीक है, यहीं पे ऋषि नहीं माता अनुसुईया, अगर आप जानते हैं तो वो पुत्री थी हमारे ऋषि कुछ फेमस ऋषि है ठीक है, दैट उनकी पुत्री थी ठीक है। एंड जो माता अनुसुईया है वो लॉर्ड परशुराम की माता कही जाती है ठीक है। एंड फिर कहते हैं कि कोई जैसे जब कुछ राक्षस आए थे वो उनका उनके उसमें उनकी जान चली जाती है ठीक है, परशुराम की माता की ठीक है। सो यू नो लॉर्ड परशुराम हाउ इज वेरी एंग्री काइंड ऑफ पर्सोना, सो वो सबको मारते जा रहे थे ठीक है। तब शक्तिपीठ बताया गया उनको भगवान के द्वारा ही कि यहाँ पे महूरगढ़ पे एक शक्ति मतलब शक्ति का जो हमारी सती माता है, माता सती का है, उनका अंगिरा है ठीक है, और वहीं से माँ रेणुका जी का जन्म हुआ है ठीक है। और इसी यही इस चीज़ में वो लेजेंड बोलते हैं कि शक्तिपीठ बना ये वाला ठीक है। बहुत सारी कहानियाँ हैं बट आई विल जस्ट लेट यू नो अबाउट दिस स्टोरी वेरी फेमस। सो दिस कम्स इन द नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट ठीक है, और नांदेड़ आ जाओगे तो आपको आप आराम से आ पाओगे रेणुका देवी जगदम्बा माता। सो यप आई एम हियर, इसलिए परशुराम जी का जो मंदिर है वो नीचे है, कहा जाता है कि वो परशुराम जी हर दफ़ा पूजा करने जाते हैं उनकी ऊपर गढ़ पे एंड ही डज इट एवरी टाइम। सो या वी आर लकी टू द पूजा एंड ऑल एवरीथिंग। सो लेट्स गो देन, लेट्स गो। You see vegetation and jungle out here, and it's on the top of that jungle. And there is one more mandir. I don't know what, but it's there. And I don't know. We'll go sometime for sure. But here is the mandir of Mata Renuka Devi. And if I can show you, then she look okay. One of the Shakti Peeth. Jai Mata Di. Let's go. Everyone's shooting around and all. Wow. Beautiful. Beautiful, beautiful. First view. I mean, come on. You see many people. And it's looking just like a wow. You just look at it. That's where we have to go for the Mandir Darshan. But let me just show you around for a bit and then surely we can roam around for sure. ये बंदर तो सावधान रहना यार, अंदर बहुत डेंजर है यहाँ पे। It's beautiful. First impression, beautiful.
कूल ना, वेरी ओल्ड। एक पूजा वूजा के लिए भी यहाँ पे बताया गया है, ठीक है, 50 रुपीज लगते हैं पूजा के। सो रियली डोंट नो व्हाट इज इनसाइड हियर, बढ़िया सम काइंड ऑफ कूल, प्रीटी कूल, बट लेट्स बी जस्ट सिट एंड असेस द सिचुएशन फॉर सम टाइम। ओके, हियर इज द दर्शन, लाइक द गर्भगृह एंड द रेणुको माता लाइव दर्शन, प्लीज हैव अ लुक एंड गो टू द दक्षिण मार्ग लाइक दिस। मैं भी जाऊँगा, अभी दर्शन करूँगा एंड या everyone is coming and going like this for the darshan, pretty cool na, like this people, see how they are going, come on man, I don't know what greater gift you can give to your mom or dad or sister by doing this darshan with them, cool na, chalte hain apan bhi, let's go. Yep, here's the exit of the mandir and yeah, the darshan was super, I mean the best, kya darshan ho bhai, I mean come on man, the best of the best, I mean the best. If we show you from here idhar shayad darshan ho jaye aapko, but I don't know, camera will justify, dekho aap माता भाई। सो इधर से है, आप देख सकते हैं, ओह मैन द दर्शन इज सुपर लिट, इट्स ऑल अबाउट द मंदिर, इफ यू कमिंग हियर इन द नवरात्रि तो भूल जाओ दर्शन के बारे में, उधर से आपको लाइन लगा लगा के आना पड़ेगा। तो मेरी तो किस्मत नहीं है कि मैं नवरात्रि में आया, बट व्हाट वी डू मैन, तो मैं थोड़ा घुमा देता हूँ मंदिर में आपको, ठीक है, बट ओके ऑल अबाउट मंदिर, गणपति भगवान, स्टोर्स एंड ऑल एवरीथिंग, एवरीथिंग इज प्रीटी लिट, प्रीटी कूल ना, मिला आपन भी कर लेते हैं, लेट्स गो। टेकिंग द व्यू ऑफ दिस ब्यूटीफुल मंदिर, सम टाइम तो स्क्रीन पे माता जी का फोटो आता है लाइव एंड आई एंजॉय इट लाइक दिस, वाओ मैन ब्यूटीफुल, इट्स सो ब्यूटीफुल टू एंड या इट्स गुड। सो दर्शन तो हो चुके हैं बहुत देर से पहले से, अभी बस बैठ के पॉजिटिव थोड़ा ले रहा हूँ, 4 बज रहे हैं करंटली एंड थोड़ी देर में निकलूँगा, 7-8 बजे की ट्रेन है अपनी, और इसको बनाओ, बॉटल खाली है, पानी भर लेते हैं, निकलते हैं। Now we are going, planning to go to Mahurgarh Fort, that's very near from here. So let's go there, पानी भर लेते हैं एंड देन निकलते हैं, ठीक है, बिकॉज आए हैं तो थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करके जाएंगे, है ना। सो यह बंद रहो सावधान, पानी भरते हैं निकलते हैं। मैं अपने जूते उठा के कहाँ वापस मंदिर की ओर, क्योंकि जो मैं अभी आपको किला दिखाने वाला हूँ, महुरगढ़ किला, दैट इज ऑन द दैट साइड ऑफ द मंदिर, ठीक है, तो हम वहाँ चलते हैं, आई शो यू एवरी बिट ऑफ इट एंड अभी दिन है थोड़ा बहुत तो दिखा देता हूँ, रात होने के बाद तो यू नो वैसे भी एक वीडियो बनाने का दिन चल जाता है, तो हियर इट इज शूज ऑन दैट साइड, क्योंकि किला उस साइड ही है, यू मस्ट अंडरस्टैंड, let's go now, I'll show you everything, here is the kila, yeah the shoes tied, here is the mandir dwar, we are leaving now, that's the Renuka Devi mandir Mahurgarh.
आई एम रेडी, लेट्स गो। 4 बज रहे हैं, रात होने से पहले वो घर चल लेते हैं। निकलते हैं, बस आए रखना। लिविंग फॉर द किला फ्रॉम हियर, जय जगदम्ब। जो आप जगदम्ब देखते हो वो यही माता है हमारी, शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज बोलते हैं जय जगदम्बा, वही है। तो ओरिजिनल कमॉन, आई एम हैप्पी। वही नीचे उतरते हैं और चलते हैं किले की ओर, मुरुगढ़ फोर्ट। जय छत्रपति, जय भवन, जय जगदम्बा। द माहौरगढ़ किला ट्रैक, जो भी इसको कहते हैं, छोटा मोटा माहौरगढ़ किले के जस्ट सामने ही है रेणुका माता टेंपल, लाइक दिस यू कैन सी देयर। और ये रहा हमारा किला, ठीक है। सो इसको, ये मेरे फेवरेट हैं फिंगर्स, वन ऑफ माई फेवरेट। माहौरगढ़ किला रूल्ड बाय छत्रपति शिवाजी, मुगल्स, ब्रिटिश एंड देन नाउ इंडिया। बेस्ट गुड गोइंग एंड सी, और मैं जब तक ये भी इंजॉय करता हूँ, व्यू मिलेगा ऊपर से, जस्ट सामने ही है रेणुका माता। वाओ मैन, एलिगेंसी। कहते हैं लोग घूमने की जगह नहीं इंडिया में, अबे तुम्हारे ही जगह में, तुम्हारे लोकली, आई एम टेलिंग, सिर्फ लोकली इतनी जगह रहती है ना घूमने के लिए, लोकली, कि आप छोड़ दो बाकी सब जगह, तो ढूंढना आना चाहिए और मन में इच्छा चाहिए, सबसे बड़ी बात। तो लेट्स गो। खेला and everything, I know I'm going a wrong path, so I'm explore kar raha hu bas kile ko. Kya patthar hai bhai, bhai bhai sahab, I mean just looking like a wow hai kya dead end ka? Ha, dead end hai, theek hai, fucking something। सनसेट होने वाला है, प्रीटी गुड। मेरी ट्रेन जो है रात के 10:30 बजे की है, हार्डली मेरे को 12 बजे तक उतार देगा आदिलाबाद। आदिलाबाद में एक और सरप्राइज आप लोग के लिए, ये सरप्राइज कैसा लगा, माता जी के दर्शन, जस्ट लेट मी नो। एंड देन दिस माहौरगढ़ किला आल्सो, आई नो आई डोंट शो कन्वेंशनल स्टफ, आई नो दैट, बट that's what I do and that's what you people are for, okay? So let's go up, get the view man, let's go get up and let's go take the darshan all and everything। Us killa was ruled by Chhatrapati Shivaji Maharaj, so you know I have to come here। And there is a small door also, let's get inside। Woh chal lighting aa raha hu, okay let's go man। Thoda sa kila kharab bhi hua hai, but yeah kharab hua hai, and there, and here is the entrance। Papa man, mandir hai mahakali ka, here it is, and yeah, पहले दर्शन कर लेते हैं, then we go on that side also, I'll show you more, but पहले महाकाल के दर्शन करते हैं। Okay, torch and all everything, yep, दर्शन has been done, and I look like this। भी चलते हैं थोड़ा उधर explore करते हैं, and then we'll go on the top for the that torch, finally man, better jute pehante hain, chalte hain।
इसको, पुराना सा किला है वेरी ओल्ड। यार समय नहीं लगा ऊपर चढ़ने में, बहुत इजी है, बट आई नो थोड़ा चल के देखते हैं। द गढ़ हैज बिकम अ जंगल लाइक दिस एंड दीवार क्वाइट मोटी एंड देयर स्टेयर लाइक दिस, सो लेट्स गो ऑन द टॉप क्योंकि एंड तो होने सर आए, काफ़ी बड़ा है, लाइक I've come way too far from there, but can't see an end. See, अभी और भी है, like really, जानवर ना मिल जाए कोई। चलो चलते हैं, ये चूल जो है ना मेरे को एक दिन मरवाएगी। रिग्रेट की जिंदगी बहुत जुड़ी भाई, अब थोड़ा सा तुम मचाते हैं। Let's go and explore. Okay. क्या पुराने हैं, लाइक लिटरली स्टोन्स, एक एक स्टोन को आप देखिए टेक्सचर, गो फॉर गॉड भाई, बहुत बड़ा है यार ये तो, लंबा बहुत है, हाँ बहुत बड़ा लंबा किला है। बिल्ड बाय गोंड रूल्ड बाय छत्रपति शिवाजी महाराज, सो आई डोंट नो, आई थिंक दैट इज द थिंग दैट एक्साइट्स मी। जब छत्रपति शिवाजी महाराज जहाँ हैं वहाँ तो हमको भी कुछ टच मारना ही पड़ेगा, ठीक है। सो लेट्स गो। सर मैं कहाँ से चढ़ के क्या कर रहा हूँ, बट इधर तो एंड ही नहीं हो रहा किला ये। हेलो, शायद यहीं से ना, मतलब अभी आता आता होगा तो शायद यहीं से प्रोटेक्ट करते होंगे। प्रीटी कूल ना, क्या शांत यार, शाम हो रही है। सम टाइम आई सच थिंक कि भाई कोई होता तो मेरा दोस्त ही होता, मैं वैसा नहीं हूँ, और या कोई होती तो तुम्हारी भाभी होती, ठीक है, तो जगह घुमाता ना उसको, और वो भी एकदम बजट में, बट हाँ महादेव की कृपा है मेरे पे कि चीज़ें मेरे पास सब कुछ प्रॉपर नहीं होती है। मोबाइल होगा तो केस नहीं होगा, केस होगा तो उसका सामने का स्क्रीन कवर नहीं होगा, तो भैया ऐसा ही है हमारी लाइफ, क्या बताएं, इम्परफेक्ट। तो अब क्या करें, जो है तो है, महादेव ने जो रचाया है उसी हिसाब से चलते हैं हम, है नहीं, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु से तो उतना कुछ हमारे लाइफ में लिखा नहीं है, तो जो लिखा है महादेव ने लिखा है ना, तो परफेक्ट लिखेंगे, है ना, बस कृपा है महादेव की। और यही सब कांड करते करते मैं एक दिन फंस जाऊंगा, ठीक है। सीट देखो कितनी पुरानी है, क्योंकि मुझे रुकना नहीं पता है कि मैं रुकूं कहाँ पे, है ना, चुल मची है मेरे को। ये देखो कितनी पुरानी सीढ़ी है यार, सो हम चलते हैं, एंड हो जा भाई, एंड हो जा, शाम हो जाएगी तो फंस जाऊँगा यहीं पे। फाइनली पार करने के बाद हमको मिला है ऐसा कुछ किला सा, जियो शेर, अच्छा रुका नहीं मैंने अपने आप, चलते हैं देखते हैं क्या है। जियो तो बहुत पुराना सा लग रहा है भाई, ओह क्या बात है, अबे चिल्ला मत ज़्यादा, शेर निकल गया तो थोड़ा सा वेट करता हूँ, चलते हैं अंदर। अमेजोन फाइंड्स में से आ रहा है एकदम, वाह चलो चलते हैं, कोई सीढ़ी वीडियो बनाई, दूर दराज में बहुत रेयरली कोई लोग आते हैं यहाँ पे, बट आर्किटेक्चर इज वेरी गुड। शाम होने से पहले एक बार चक्कर मार लेते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से, ठीक है, लेट्स गो मैन। ओ ओ ओ
दिस लुक्स ओल्ड यार, दिस लुक्स ओल्ड मैन। गुम्बद उम्बद टूटे हुए हैं यार, ठीक है। Look at it. देखो लोग पहले कैसे पति थे, गिर ना जाए वैसे। Already cracks आ रहे हैं इसमें। As you can see, so I don't know what it is, but it looks super lit. शायद छत्रपति यहीं रहते थे, दरबार ही लगता था पुराना सा एकदम। Wow man, super cool, one of the best of the best. So सेल्फी लेते हैं, निकलते हैं। काफ़ी जंगल है यहाँ पे, वो जंगल से भरा है, ठीक है। और ना बंदा ना बंदे की जाता है। So let's go back to the spot. एंड चल के एक बार तो देख लेते हैं, बिकॉज दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट। ओके रुइंड रिप्ले। सो क्या है अपने को, क्या है, चलते हैं। है छत्रपति शिवाजी महाराज की भी जाओ, छत्रपति शिवाजी महाराज की वजह। क्या शाम हुई है ना, उई 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 उई, गजब, क्या ध्वज है, गजब। जय भोले, हर महादेव। यहाँ से जो दर्शन मिलते हैं ना, वन द बेस्ट। चूते उतारते हैं भोले। वाह है ना, है छत्रपति। हो गया प्रसाद दे दो, चलो प्रसाद ले लेते हैं यार, जान दो, प्रसाद को मना नहीं करते हो अभी? नहीं। कब जाते हो? थोड़े देर से जाता हूँ। यहाँ पे कभी कभी आते, आज नहीं है। कौन से रहते हैं जानवर? बंदर बोले तो शेर आता, शेर यहाँ पे, और डुक्कर भी आते हैं। हो गया, रोए भी आते हैं। उधर जो एक किला है उधर साइड में, क्या है उधर? किला है, ये किला उधर है। वो कहाँ, वो क्या रहते हैं वहाँ पे? शिवाजी रहते थे क्या पहले वहाँ पे? नहीं, उधर गाबारा है। हाँ, रेणुका माता, महाकाली अय्यर, दत्तात्रेय स्वामी वहाँ पे मिले थे। अच्छा, महाकाल, रेणुका माता, दत्तात्रेय। बाजू को तालाब है। हाँ, तालाब के ऊपर गए तो रानी महल है। रानी महल से थोड़ा अंतर पे गए तो एक फरलांग पर हत्ती दरवाजा है, तो वो अभी उधर होती थी। वो अभी जा नहीं सकते क्या वहाँ पे? जा सकते क्या? जाते क्या उधर? लड़ाई उधर होती थी। ये गोदाम है। अच्छा 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 अच्छा, खाना यहाँ पे पकता था। हाँ, इसलिए वो भर के रख दिए उसमें ना, सैनिक यहाँ पे आते थे, खाना खा के निकल जाते अब अपने कोट में। चलिए जी, धन्यवाद, हाँ, ध्यान रखिए। क्या आदमी यार, तो सही बताया इसने। चलो कोई नहीं, ज़्यादा तो अपन एक्सप्लोर नहीं कर पाए वहाँ का जो भी है, थोड़ा बहुत इसको। महादेव, आओ मैं, सही है ना? ओके ना, मिलता हूँ नीचे कहीं आपको, नीचे, और फिर चलते हैं वापस, ठीक है। वी हैव लॉन्ग वे एंड चले जा रहे हैं बस, समझ लो जी, और कुछ कर। और वरागढ़ सुंदर, सुंदर, वेरी सुंदर,
एंड ये रहा रास्ता, और हम चलते हुए वेरी इजीली। मैं बस कुछ नहीं कर रहा हूँ, रील्स पहले जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आई गेस वही एक दरिया है एंड नथिंग एल्स, रास्ता है बस। कोई नहीं, बस छोड़ दे मेरे को बस थोड़ा टाइम पे, मैं फिर आदिलाबाद निकल जाऊँ। आदिलाबाद से मेरा घर 3 घंटा है, बट दिक्कत एक है ना, 3 घंटे में बस जाती है वहाँ से, नो डाउट, पर दिक्कत एक है कि 165 रुपीज़ लगता है घर पहुँचाने के। तो मैं सोच रहा हूँ यार अभी क्या करूँ, देखता हूँ ट्रेन है और थोड़ा लंबा रास्ता है, फिर सेवाग्राम जाके छोड़ेगी, सेवाग्राम से 2 घंटा 8 घंटा लग जाएगा। तो देखता हूँ क्या है प्लान। वहाँ पे एक और चीज़ है, कुंटला फॉल, अगर आप जानते हैं तेलंगाना में आप रहते हैं ना, यहाँ से तेलंगाना पास वेरी वेरी नियर है। मैं आपको अगर समझाऊँ तो मैं बहुत लंबा ट्रैवल कर रहा हूँ, लाइक बहुत लंबा, लाइक देखिए बताता हूँ, वर्धा मेरे बलाशा से 2.5 घंटा, ठीक, फिर 2.5 घंटा पकड़ लो आपका अकोला 5 घंटे, ठीक, फिर 5 घंटे से और 7 घंटे जोड़ लो परली वैष्णो, ठीक, फिर वापस यहाँ 6 घंटा 7 घंटा जो भी है पकड़ लो आप, 12 घंटे ऐसे पकड़ लो है ना, 5 और 7, फिर और 6 घंटा पकड़ लो, 24 घंटे ऐसे निकल गया, ठीक। अब आप सोचेंगे कैसा पास पड़ रहा है किन्वर से, बहुत पास है किन्वर से, बहुत पास है, 1 घंटा भी नहीं लगता है। सो मेरा बताने का मतलब ये है कि पैसे भी बचाना है, टाइम भी सेव करना है, तो वी हैव टू मैनेज एवरीथिंग, सो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, एंड या विल डू व्हाट वी हैव टू डू, क्योंकि इवेंचुअली जो करना है तो करना ही है, ठीक है, ज़्यादा दूर नहीं है, आई गया बस स्टेशन। हर हर महादेव, जय जगदम्बा माता। Yep, you can see Diwali has been ready. I'm drinking chai. जाना पड़ेगा, डैड वेट कर रहे हैं मेरा, बहुत रेयर होता है कि डैड वेट करते हैं। चलिए चाय पीता हूँ, निकलता हूँ, ठीक है, बस स्टैंड के लिए थोड़ा भटक गया था, बट या चल रहा हूँ राइट नाउ एट स्कूल, अभी चलते हैं जल्दी जल्दी और बस पकड़ते हैं और निकलते हैं किनवर्ट, किनवर्ट से पकड़ेंगे हमारी ट्रेन। कर दो रेलवे स्टेशन, पॉपकॉर्न, भूख लग गई यार, देखते हैं मिलती है कि नहीं किनवर्ट के लिए, जस्ट होप, दिख तो रहा है किनवर्ट, किनवर्ट की है शायद, होपफुली आई गेट इट, ओके। इसी किनवर्ट 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 दादा, किनवर्ट है क्या, क्या करें और क्या था नाम, नाम तो या डॉट टिकट किनवर्ट, टाइम लगेगा 1 घंटा, पर ठीक है, वी हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम। अगर मैं सिनारियो देखूं अपने बस ट्रेन का, ट्रेन यहाँ से है, आई एम लाइक 10:45 ये मिल जाएगी पूर्णा आदिलाबाद ट्रेन, ठीक है, और एल्स 11 बजे आती है, अपने को ज़्यादा नहीं है यार, मेरे को 10:30 बजे से 11 बजे से कितना 1.5 घंटा, 10 रुपये की टिकट है, कंडीशन एंड नाउ ओके, एंड फ्रॉम आदिलाबाद, एंड फ्रॉम आदिलाबाद 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 ओके टू सेवाग्राम, आज की टुडे
कल, देख रहे हो जाएगा 5:30 बजे छोड़ेगा वहाँ पे, कैच दिस वन गो होम सेफली, क्या बोलते हो? स्टेशन एंड भाई बहुत बहुत कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैं, बहुत कैलकुलेशन कैलकुलेशन ये कि आदिलाबाद में रुक के लाइक 160 रुपीज़ पे करना चाहिए या मेरे को मैं टोपी लगा लिए या मेरे को निकलना चाहिए ऐसी, मतलब आई डोंट नो। देखो 12:10 से आदिलाबाद से ये ट्रेन है जो सेवाग्राम रुकी थी, उसके बाद कोई ट्रेन नहीं है, ठीक है? अगर वो ट्रेन मेरे को छूट जाती है, इनके बता रहा हूँ मैं आपको, देन व्हाट आई विल डू कि अपन एक्सप्लोर कर लेंगे, ठीक है, और चीज़ें, बट अब वर्ण करें कि अगर वो ट्रेन मिलती है तो मैं निकल लूँगा, क्योंकि उससे पैसे भाई सेव भी करने रहते हैं अपने को, ठीक है? दूसरी बात, अगर जुगाड़ जनता है तो मैं निकल लूँगा। तीसरी बात, अगर नहीं मिला तो रात भर आदिलाबाद में रह के सुबह निकला जाएगा, वही वाटरफॉल है कुंतला वो देखेंगे या तो कुछ और चीज़ एक्सप्लोर करेंगे, फिर अपन घर जाएंगे, ठीक है? सो प्लान इज सेट यू नो, और चीज़ें भी सेट है, बट अपने को अपने पेस पे चलते हुए करनी है, ठीक है? तो आई गेस वी कैन डू इट एंड वी आर ऑन द रोड, पहुँच गए हैं, ज़्यादा नहीं, हार्डली यहाँ से देख दो कि 1 किलोमीटर पड़ता है अपना, क्या बस रेलवे स्टेशन किनवट, वहाँ से अपने को 1 घंटा लगेगा फिर पहुँचने में आदिलाबाद। तो डू इट एट किनवट रेलवे स्टेशन, एक ही प्रॉब्लम है छोटे रेलवे स्टेशन में, सामने कुछ भी नहीं मिलता है, इट्स क्लोज्ड, खाने वाने कुछ भी नहीं है। अब भाई साहब भूख लगी है मेरे को, आई खा लिटरली, बट कोई नहीं, देखते हैं कुछ जुगाड़, ठीक है, एंड स्टेशन में चलते हैं कुछ खाते पीते हैं, ठीक है? सो जय श्री राम। Hey guys, this is not my train. जो ट्रेन है मेरी आने की है, ओके तो इधर जाएगी, ठीक है? ये कोई तो भी तिरुपति से आ रही है आदिलाबाद एंड फ्रेन नांदेड़ जा रही है, सो दिस इज नॉट माई ट्रेन। ओके मेरे को करेंटली 10:30 बजे तक मेरी आएगी, अगर मेरे को ट्रेन प्रॉपर समय मिल जाती है इन केस देन श्योरली आई कैन गो विदाउट खर्चिंग टू मच मनी फॉर माई ट्रैवल फ्रॉम आदिलाबाद टू हाई बल्लाशा। अगर नहीं लग गए 12:10 की मेरी ट्रेन है एंड लेट हुई तो फिर छूट जाएगी, तो मिल जाए, वेट करते हैं। इतना कंफ्यूजिंग होगा ना आप लोग के लिए, मेरे लिए तो था ही। अब ये दोनों ट्रेन में अलग अलग समझ रहा था, ठीक है? मेरे को लग रहा था ये पूर्णा आदिलाबाद ये जो है ना ट्रेन ये जाएगी, बट ये अभी तक आने में ही है, हिमायत नगर में है एंड ये किनवट आने में 11:45 लगा रहा है, ठीक है? ये तो हो ही नहीं पाता था। मेरे को एक ट्रेन पकड़नी थी जो ये वाली है, ठीक है, ये वाली, ठीक है? अब इसमें दिक्कत क्या थी ना कि मेरे को इसके लिए लग रहा था मेरे को आदिलाबाद जाना पड़ेगा 12 बजे, तो ये मेरे को छोड़ेगी सेवाग्राम, ठीक है? बट नहीं, ये तो भाई यहीं से मिल रही है किनवट से मेरे को, किनवट देखिए ये ट्रेन यहीं आने वाली है, किस्मत बैठ गई है अपनी, ये मेरे को सेवाग्राम छोड़ेगी। जियो शेर 12:30 जियो किनवट से डायरेक्ट मिल रही है मेरे को सेवाग्राम को, कम ऑन मैन, इतनी बड़ी किस्मत नहीं हो सकती यार, लाइक लुक एट इट, सेवाग्राम है ना, सेवाग्राम जी। अभी ये देखो प्लेटफॉर्म नंबर 1 धनबाद वीकली सुपरफास्ट एक्सप्रेस, पाक थैंक यू, मतलब कभी कभी किस्मत काम कर जाती है मेरी। ओह पार्किंग है, अब आई नो धनबाद का
सॉरी आदिलाबाद से प्लान कैंसिल होगा से मनी मैम, ठीक है मनी सेव करूँगा तभी तो कुछ कर पाऊँगा। सॉरी फॉर दैट। अभी निकलते हैं घर, ठीक है। बहुत घूम लिया मैंने भाई, मतलब मैं बता रहा हूँ ना, लाइक आई जस्ट शो यू लाइक लुक एट इट। मैं अभी इधर हूँ किनवर्ट में, ठीक है। और भाई साहब कहाँ कहाँ नहीं घुमा मैं, मतलब ऐसा ऐसा घुमा घुमा के आ रहा हूँ, ठीक है। राइट आई एम हियर। मैं गया चंद्रपुर से अमरावती एंड देन अकोला, फिर घूम घाम के मैं इधर आया हूँ, एक परभनी नांदेड़ देख सकते हैं, फिर बहुत घूम घाम के मैं इधर आया हूँ भाई। वैनियो तो सेवाग्राम पहुँचेंगे, सेवाग्राम पहुँचे तो फिर घर आ गया। एक थी बल्लारपुर है माई होम टाउन। रात के कुछ 11:30 बजते हुए, आई नो आई एम सेट, अंडरस्टैंड माई कंडीशन यार, उतने मतलब सब कुछ देखना पड़ता है यार सब। आई नो टी शर्ट चेंज किया मैंने, बहुत ठंड लग रही है। ये मेरी नई टी शर्ट है, सिस्टर ने मेरे को दी है ठंड के लिए। ये भाई थोड़ा सा ठंड जाता है तो थोड़ा सा पहन लिया कर। आई नो आई एम लुकिंग स्मार्ट, आई नो दैट भाई। एक बार आप मेरे को थोड़ा सा अच्छे से देख लो, क्या पता आप लोग को फिर देखो ना मैं ऐसे। कभी कभी होता है यू डोंट सी मी लाइक दिस, सो यप हियर आई एम मिसिंग पूरा का पूरा। तो बताने का मतलब ये था कि सिस्टर ने दिया है कि भाई फुल टी शर्ट ले ले तू, तेरे तो सही लगती है एंड ठंड भी रहेगी तो उससे बचत हो जाएगी इसको। थोड़ी ठंड है, मैं बोला चलो फुल टी शर्ट ले लेते हैं। तो यार मैं उतना यू नो उतना क्या बोलते हैं उतना मैं नई नई चीज़ें पहनने वाला आदमी नहीं हूँ, एकदम नॉर्मल सा हूँ। तो यार ठीक है, एकदम अंदर टी शर्ट है और ठंड है तो मैं पहन लिया भाई, तबीयत ख़राब नहीं करनी है। सिनेरियो ये बन रहा है कि अपन आराम से पहुंच जाएंगे सुबह तक एंड देखो बहुत पैसे सेव होने वाले हैं। जहां मैं लेके जाने वाला था आदिलाबाद में कुंतला वाटरफॉल्स और दो तीन जगह और थी, पैसे लगते हैं यार। दूसरी बात ये है कि आदिलाबाद से बल्लारशाह को 165 रुपीज़ लगते हैं, तो भाई वो भी तो देखना है अपने को, सब कुछ मैनेज करना है। तो इसलिए मैंने बोला चलो जान दो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, इसलिए मैंने डिसीजन ले लिया कि भैया अपन निकलते हैं डायरेक्टली सेवाग्राम से ट्रेन पकड़ेंगे और फिर अपन वापस बल्लारशाह, मतलब 9-10 बजे तक शायद बल्लारशाह पहुँच जाएंगे। सो प्लानिंग ऐसे रखना पड़ता है यार, क्या बोलते हैं, और भी ट्रेन में हर हर महादेव, वेट करते हैं ट्रेन का, कुछ देर में आने वाली है, ठीक है। I'm looking good. Finally, अपनी ट्रेन आ गई और ये ट्रेन मेरे को छोड़ेगी सेवाग्राम। बहुत कम ट्रेन होती है ये पार्ट ऑफ तेलंगाना से, मतलब ये थोड़ा सा अलग पार्ट ऑफ तेलंगाना है जो मराठवाड़ा कनेक्ट करता है मिलना, बट या वी हैव गॉट इट एंड अपन बस चढ़ते हैं और कोशिश करेंगे सोने की, ठीक है। अच्छा ट्रेन तो पूरी फुल भाई यार, ट्रेन तो पूरी फुल है, हद है भाई, हद है हद है हद है भाई, ट्रेन तो पूरी फुल है भाई साहब, वाट लगने वाली है यार। चलो कोई नहीं, अब क्या करें यार, समझ के बाहर है, क्या करूँ मैं, हालत ख़राब हो जाएगी यार ऐसे तो। चलो कोई नहीं, देखते हैं क्या जुगाड़ है भाई, पर फुल है यार, हद है यार, तो फुल है, लुक एट इट जस्ट, कम ऑन मैन, कंडीशन ऑफ टुमारो इज दिवाली। सो 11 नवंबर है, कल दिवाली है, हम करंटली ईद तेलंगाना में आ चुके हैं, ठीक है। एंड वी आर एट आदिलाबाद, फिर वनी मेरे को यहाँ उतरना है माजरी जंक्शन, 3:35 को आएगा
एंड इट विल बी अ हेल ऑफ अ टाइम मैन बिकॉज ओके अच्छा 3:30 बजे माजरी आएगा देन 4 घंटे वहाँ वेट करने के बाद ट्रेन टू माजरी या होपफुली गेट इट सेवाग्राम नहीं जाएंगे माजरी से हमको ट्रेन मिल जाएगी पॉकेट कंडीशन देख लो आप और भाई ये कोई इसलिए वो नहीं है क्या बोलते हैं जनरल नहीं है दिस इज प्रॉपर और इसे रिजर्वेशन तो इतनी भीड़ है क्या बताऊँ इधर तो देखो इधर लोग ही लोग दिखेंगे आपको सोए हुए मैं उतर के आ गया भाई मेरे से हुआ नहीं चढ़ना वो क्योंकि तो सो मतलब बोलते नहीं क्या कि बहुत बहुत ज़्यादा देखो आप क्या क्या पड़ेगा यार मतलब लाइक दिस एवरीथिंग तो मेरे से हुआ नहीं तो आई थॉट कि बेटर कि मैं ऐसे भी चढ़ जाऊँ मैं ऐसे चढ़ गया देखा जाएगा क्या होता है बट आदिलाबाद से निकलने के बाद 2:30 बजे आएगा वनी भी मेरे घर के पास ही है एंड देन माजरी 3:30 घंटे बाद सो ऐसी कंडीशन में खड़ा रहना पड़ेगा कंटिन्यूसली और बस पता पड़ा हूँ यार क्या करूँ लास्ट वाइफ हाँ तो मैं मरता हूँ करंटली इट्स लाइक 3:26 एंड ट्रेन की कंडीशन आप देखो फिर आप बोलोगे हर जगह से पैक फुल पैक चढ़ने नहीं दे रहे क्योंकि दिवाली का समय है भाई नो वन इज अलाउड एंड वी आर एट माजरी जंक्शन हमको सुबह 8 बजे ट्रेन मिलेगी और गोइंग टू बल्लासा यार आई एम हाँ हाँ भाई फुल है मैं कैसे चढ़ाऊँ सोचो आप अकेला आदमी मतलब हालत ख़राब है यार क्या बताएं चलो ठीक है अपन घर के पास पहुँच गए एट फॉर शो आई जस्ट शो यू बाय द मैप कितने हम पास पहुँचे ज़्यादा नहीं यहाँ से 60 किलोमीटर है ठीक है तो इशू नहीं है आराम से पहुँच जाएगा ठीक है आई जस्ट शो यू क्या है जुगाड़ अभी माजरी है ठीक है माजरी जंक्शन अभी यहाँ से देखेंगे अगर आप तो लाशा ठीक है एंड दिस इज माय लोकेशन यहाँ से 1 घंटा लगता है 25 किलोमीटर तो आ गया प्रॉपर वैसी प्लानिंग करनी पड़ी थी एकदम कि मैं इतनी घटिया ट्रेन है कोयापुर धनबाद ये सिंपली भाई घटिया मतलब इसमें कुछ भी नहीं मतलब बैठने तक को नहीं मिल रहा था भाई क्या बताऊँ चलो निकलते हैं थोड़ा सा घूमते हैं और फिर वापस आके वी आर एट माजरी पहुँच चुके हैं हम घर के पास ही सेवाग्राम से पास है समझ लो सेवाग्राम तो बहुत दूर हो जाएगा माजरी बहुत पास है सो लेट्स गो ऑफ दिस मतलब माजरी वजरी में कभी आया नहीं आज तक ठीक है मतलब मेरे घर से पास 55 किलोमीटर्स पड़ता है बट मैं कभी आया नहीं एंड दिस इज हाउ इट लुक्स एंड देखता हूँ कुछ खाने पीने के लिए मिल जाए यार मुझे भूख लगी है पता नहीं क्यों इतना भुक्कड़ क्यों हूँ यार देखो आप न बंदा ना बंदी की जात है यहाँ पे ठीक है स्टेशन ठीक सा है आई गेस आई लव स्टेशन मोर एज कम्पेयर टू ट्रेन्स भाई तकलीफ हो गया था यार खड़े खड़े तो मेरी बैंड बच गई थी बट ठीक है भाई ये तो पूरा यार ये तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे ओह लग रहा है थोड़ा बाहर निकले भाई पका यहाँ पे ऐसा लग रहा है देखो तो आप ओए शेर निमलत कुत्ते पक्का खा जाएंगे आपको तो
मैं बोला ऐसे चिल मार के निकलते हैं, यहाँ तो भाई साहब अलग ही रेड़ा पड़ा है। तो कोई नहीं, थोड़ा देर वेट करेंगे अंदर निकला जाएगा और क्या। खानी स्टेशन में एंड फुल मोच काटते हैं भाई, क्या करें, कुछ और जुगाड़ है ही नहीं भाई, क्या बताऊँ मैं। मतलब हाँ 8 बजे अपनी ट्रेन है जो डायरेक्ट में को छोड़ेगी बल्लासा। अगर मैं पुराने वैसे तरीके से आता, नहीं भाई नहीं, मेरे को तो डायरेक्टली आना है फ्रॉम अकोला, देन फ्रॉम अकोला टू बडेरा वर्धा, फिर वैसे करता बहुत टाइम लगता भाई मेरे को, इसलिए मैंने ये ऑप्शन सेट किया। कभी कभी सेट हो जाता है समझ लो। और बात ये ना देखो, जाने को मैं आदिलाबाद में भी रह सकता था, बड़ी बात नहीं, आदिलाबाद में रुका भी था, पर क्या हुआ ना देखो यार, आप समझो मेरी बात। कल 11 तारीख है, आज सॉरी आज बाजी पकड़ लो, आज 3:30 बज रहा है, 11 तारीख लग गया, कल है अपना दिवाली। तो फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना सही होता है, ठीक है। तो डैड भी बोल रहे हैं कहाँ है, निक्कू भी बोल रही थी मेरी सिस्टर कहाँ है भाई आ जा, मतलब चलो यार चलते हैं। ऐसा कुछ खास होता नहीं है हमारे यहाँ पर, ये कि कुछ डिशेस बनते हैं, पालक पनीर बन जाती है, अच्छा लगता है मेरे को खाने में। तो ऐसा कुछ बात नहीं है, कुछ हार्ड एंड फास्ट, बस यही है कि कुछ जुगाड़ हो जाता है, ठीक है। अभी स्टेशन पर रुकते हैं, नींद लेते हैं प्रॉपर, 3:30 बजे तक की, 3:30-4 बज रहे हैं, फिर निकलते हैं सुबह, ठीक। चलो लेट्स गो। थोड़ी ठंड बढ़ गई थी, ठीक है। वाह खूब आसान, नाश्ता करते हैं, ठीक है। जो सीन इन द नाइट ऐसा ही था, बंदा रो बंदे की जात ऐसा लग रहा है यार, तो कुछ नहीं है सोचा हमने, जंगल और खाने पीने की तो कुछ भी नहीं। चलो ठीक है देखते हैं क्या है, चाय वगैरह ही मिल जाए तो बहुत है, एक्सप्लोर करने में मज़ा आता है, पर है ना कुछ भी नहीं है, जंगल है क्या है। माजरी भी स्टेशन ही है पर छोटा है, अभी ज़्यादा ट्रेन रुकती नहीं है, ठीक है, जो भी रुकती है बस थोड़ी देर के लिए, तो समझ लो आगे चलते हैं देखते हैं क्या है, वापस आ जाएंगे क्योंकि हमारी ट्रेन 8 बजे है, ठीक है। बैक टू बल्लासा। छोटा सा दुकान है, चाय लेते हैं एंड देन निकलते हैं, ठीक है। अभी मेरी ट्रेन है वो वर्धा जंक्शन छोड़ चुकी है एंड राइट टाइम 1 rupee each. Puff fries and curry. Cool. Let's eat. Love it. Pasa, nimbu dalte. Enjoy now. Oh.
Has been done from Mahajari Junction to Balasha, 30 rupees. Little station. Let's go. क्या भाई क्या पोहा था भाई, मजा आ गया। मतलब मन का कहते हैं ना उसको, मन का ना ओह क्या बताऊं यार, मतलब ऐसा लग रहा था कि क्या ही पोहा था यार। अरे यार ऊपर से सेव भी डाला था उसने। मतलब यू नो आप पोहा आपको मिलता होगा, यू नो इंदौर में मिलता है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में मिलता है। कोई इसको मीठा कर देता है, कोई उसमें तर्री नहीं देता है, कोई इसमें मट्ठा मिक्स कर देता है। मुझे तर्री बहुत बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा यार। आई मीन एक क्रेव फॉर इट, लाइक छोले भटूरे हो गए बट तर्री पोहा इज़ वेरी डिफरेंट थिंग। लाइक मैं दो प्लेट खा जाऊँ यार, इतना मेरे को पसंद है। एंड चने वने एंड ऑल ओह फेवरेट। अभी मस्त मस्त दिन निकला है एंड कल दिवाली है, आज 11 तारीख है। एंड अच्छी बात यह है कि हमारे बुरा लगता है बाप को जब उनका लड़का खराब प्रदर्शन करता है, बट होना भी चाहिए, पनिशमेंट मिलनी चाहिए। पाकिस्तान आउट हो चुका है ऑफिशियली, कितना भी कर ले जीत नहीं पाएगा इंग्लैंड से। तो चलो इंग्लैंड कभी तो काम आ रहा हमारे। तो अभी हमारा सेमीफाइनल न्यूजीलैंड से मतलब ऑफिशियली हो गया है। एंड आई नो न्यूजीलैंड कोई बहुत तगड़ी टीम नहीं है फिलहाल में, बट या विल शुड कम्फर्टेबली विल विल डू इट एनीहाउ। एंड वर्ल्ड कप एंड पे आ रहा है धीरे धीरे, मज़ा उतना बढ़ते जा रहा है। बट या सोच हमेशा वही रहती है कि यार वर्ल्ड कप जीत जाए यार, एनीहाउ ठीक है, एनीहाउ वर्ल्ड कप जीत जाए। सिनारियो और सब कुछ ठीक है, वर्ल्ड कप जीत जाए यार। मतलब विराट कोहली के लिए नहीं यार, तुम समझ नहीं रहे हो। नहीं नहीं विराट कोहली के लिए नहीं, ये वर्ल्ड कप ना अगर मैं किसी को समझता हूँ कि जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस वर्ल्ड कप की ना, वो रोहित शर्मा। शक्ल से देख के लग रहा मेरे को कि ही नीड्स दैट वर्ल्ड कप। क्या बताऊँ, 2011 के बाद शायद हम लोग भी जी जाए इस बार। तो जैसे इतने में जो ट्रेन काम पहुँचे, इंजन घाट आ चुके हैं, अरोरा जो नंबर दो नंबर प्लेटफॉर्म पे चलते हैं अपन। दो नंबर प्लेटफॉर्म पे क्या दिक्कत है, ठीक है। जयपुर एक्सप्रेस सारी पूरी भरी जा रही है यार। कोई नहीं अपने क्या करना है, लोकल है अपनी, टिकट निकाल चुके हैं, बल्ला से पहुँचाएगी। अनाउंसमेंट हो गया, लव ट्रेन चढ़ते हैं, सीट उट पकड़ लेते हैं, ठीक है। नींद आ रही है, चलो भैया एक घंटे दो घंटे बलाश आएगा। ये ट्रेन बल्ला से जा रही है, वेरी कंफर्टेबल पोजीशन, स्लीपिंग इज ऑन द ऑप्शन बस ओनली ठीक ओनली ट्रेन द स्टेशन एट द स्टेशन एंड फाइनली आफ्टर लाइक मेनी लॉन्ग टाइम 3 दिन बाद कंटिन्यूसली ट्रैवल करने के बाद एट बल्लाशाह। सो लेट्स गेट गो। एंड ये मेरी लोकल सी ट्रेन है जो प्रॉपर बल्लाशाह छोड़ी है मेरे को, क्या बताऊँ।
हैप्पी। एंड कल है दिवाली, सो अपने को घर ही पहुंचने को मिल गया, घूमना भी हो गया, एवरीथिंग। या प्लान था ऐसी मैंने कर लिया, ठीक है। तो अभी आई नो थोड़ा सा आदिलाबाद का टूर रह गया है, आई नो दैट, मेरे को पता है, आई नो दैट कि आदिलाबाद भी चले जाना चाहिए था, बट ठीक है, अभी इधर कोई दिक्कत नहीं है। अपन विल प्लान समडे एंड अ गुड वे, ओके, सी। और जो भी हुआ, मतलब पर्ली वैजनाथ जो बहुत दिन से प्लानिंग था वो हुआ, हो गया। सेकेंड थिंग व्हाट इज ए पर्ली वैजनाथ था एक मोस्ट इम्पोर्टेंट, एंड देन अनएक्सपेक्टेड माहौल के रेणुका देवी डायमंड क्लस्टर जाता हूँ, दिवाली इंजॉय करता हूँ, आज नाइट है, जा बेटा, नो थोड़ा समय से आ गया मैं, बट समडे लूजिंग इज विनिंग, सो एट दिस टाइम आई एम लूजिंग बिकॉज पापा के साथ रहना बहुत मन होता था। एंड yep, I will be with dad for some time and few hours में शायद मनाऊंगा, और सोच रहा हूँ 14-15 को निकलने के लंबा टूर के लिए, ठीक है, फिर सी वोट नॉट प्लान बट विल प्लान। तो एज ऑलवेज से लव द वन यू लव एंड लव द वी कम।